रूरल केस। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी वाला सेक्शन जो है शुरू किया था, जिसमें हमने अर्बन केस जो है वो डिस्कस कर चुका है, जिसमें कि हमने राम सरन की जो स्टोरी है वो पढ़ी थी और देखा था कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ एक शहर में बिताता है। अब हम बात करेंगे रूरल केस की, जिसमें कि हम लखा सिंह की कहानी पढ़ेंगे और उसकी लाइफ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और लखा सिंह की स्टोरी के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि नॉर्मली रूरल एरियाज में एक जो गरीब आदमी है उसकी लाइफ आमतौर पे कैसी रहती है। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो लखा सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के छोटे से गांव में रहता है। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। तो लखा सिंह की जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, उसके पास कोई भी जमीन जो है नहीं है, दे आर लैंडलेस। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। अब उनकी खुद की जमीन तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनकी जमीनों पर काम करते हैं। बेसिकली लखा सिंह वर्क एज अ लैंडलेस लेबरर, जो एग्रीकल्चरल लेबरर होते हैं उनकी तरह लखा सिंह काम करता है। वर्क इज एरेटिक एंड सो इज इनकम। अब वर्क जो है वो एरेटिक है, एरेटिक मतलब जो बहुत ज्यादा अनिश्चित हो, जो फिक्स्ड ना हो, एवर चेंजिंग टाइप्स, ठीक है। तो अब जो लखा सिंह है उसे खेतों में कैसा काम मिलेगा वो फिक्स नहीं है, महीने में काम मिलेगा भी या नहीं वो भी फिक्स नहीं है, साल में कुछ महीनों में काम मिलेगा कुछ में नहीं, सो नथिंग इज फिक्स्ड। अब जैसे कि उसका काम फिक्स्ड नहीं है, वैसे ही उसकी इनकम भी फिक्स नहीं है, मतलब कभी थोड़ी ज्यादा मिल गई तो कभी कम मिल गई। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, ₹50 मिलते हैं दिन के। बट ऑफन इट इज इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। और आमतौर पर क्या होता है, ज्यादातर जो लखा सिंह है उन्हें खेतों में काम करने के बदले पैसा नहीं मिलता, बल्कि उन्हें काइंड में उनकी वेजेस दी जाती हैं। काइंड मतलब कि उनको पैसे के बजाय किसी सामान के तौर पे वेज दी जाती है, कि जैसे लखा सिंह ने किसी फार्मर के खेत में काम किया और उस फार्मर ने लखा सिंह को पैसे के बदले, मतलब पैसे ना देकर उसको कुछ किलोग्राम अनाज जो है वो दे दिया, कुछ किलोग्राम गेहूं दे दिया या कोई दाल दे दी या कोई वेजिटेबल दे दी उसके खेत में काम करने के बदले। द फैमिली ऑफ एट कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील्स अ डे। अब जो लखा सिंह है उसके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और इनकी सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के दो वक्त का खाना भी ये लोग नहीं जुटा पाते हैं, मतलब कि हमेशा इनके पास खाना नहीं हो पाता है। क्या लिखा है, कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब हमेशा वो दो वक्त का खाना जुटाने में भी सक्षम नहीं रहते हैं। इसका मतलब कुछ दिन ऐसे जाते हैं जब वो भूखे रहते हैं या उन्हें दो दो टाइम का भी खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। अब लखा जो है वो अपने परिवार के साथ एक कच्चे झोपड़ी में रहता है, और जो लखा है वो रामसरन की ही तरह आउटस्कर्ट्स में रहता है, जैसे गांव के बाहरी इलाके में रहता है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। अब परिवार की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, वो फॉडर मतलब कि जो चारा होता है गाय भैंस के लिए, जो चारा होता है उसको काटती हैं और वो फील्ड से, मतलब अलग अलग जगहों से, खेतों से या फिर जंगलों में जाके वो फायरवुड मतलब लकड़ियां इकट्ठी करती हैं ताकि वो अपने चूल्हे को जला सके। हिज फादर अ टीबी पेशेंट पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। लखा के जो फादर थे वो टीबी पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। किस वजह से, कि उन्हें सही से इलाज नहीं मिल पाया, प्रॉपर जो मेडिकेशन है, इलाज है, उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. अब जो लखा की मदर है वो भी सेम टीबी की पेशेंट है, टीबी की एक तरीके से बीमारी उसके मदर को लगी हुई है, और धीरे धीरे लखा की जो मदर है उनकी लाइफ भी कम हो रही है। एबिंग अवे मतलब एक तरीके से खत्म होना या बहुत ज्यादा कम हो जाना, वीक हो जाना, तो उनकी लाइफ जो है वो कम हो रही है। ऑल दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर। वैसे तो लखा के गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, मतलब कि जहाँ पे बच्चों को, मतलब छोटे बच्चे पढ़ते हैं 1 to 5, ऐसा स्कूल है, बट कभी लखा वहाँ पे गया नहीं, मतलब लखा जो है वो कभी स्कूल नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old। अब लखा स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 10 साल की उम्र से ही लखा के ऊपर प्रेशर आ गया था कमाने का, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी ऐसी हालत नहीं थी। उसके फादर जो है वो बीमारी से ग्रसित थे, टीबी के पेशेंट थे, ऊपर से इनकी हालत जो है वो गरीब थी, ये लोग
पॉवर्टी से गुजर रहे थे, और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चे को स्कूल भेज पाएं, और अगर मतलब उनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे को अगर वो कहीं काम करने के लिए भेजेंगे तो 2 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, वहीं अगर वो बच्चे को स्कूल में भेज देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, भले ही स्कूल फ्री है। वो लोग क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कहीं काम करने के लिए भेज देते हैं, उन्हें लगता है कि अगर बच्चा काम करने जाएगा तो घर में 4 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स। और लखा के केस में क्या है, मतलब कि इनके फैमिली के जो हालत है वो इतनी ज्यादा अच्छी तो है नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग तो है नहीं, तो क्या होता है कि कई सालों में कभी एक आध बार इनके नए कपड़े आते हैं, ज्यादातर क्या होता है पुराने ही कपड़े ये लोग पहनते रहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा था। सो इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। सो लास्ट वीडियो में जो हमने राम सरन की स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि उसके बच्चों के लिए जूते जो है वो एक लग्जरी है, उनके लिए जूते लग्जरी थे, वैसे ही यहाँ पे जो लखा सिंह है उनके परिवार के लिए सोप मतलब साबुन और तेल जैसी चीजें जो है वो लग्जरी है, वो बहुत ही ऐशो आराम की चीज है, कि अगर सोप और ऑयल उनके पास आ गया तो उनके हिसाब से वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जो है वो जिएंगे। सो इनकी हालत जो है ऐसी है, जिस चीज को हम बहुत ही नेसेसरी समझते हैं कि भाई बिना सोप के कैसे काम चलेगा, बिना साबुन के हम कैसे नहाएंगे, ऑयल बहुत एसेंशियल है, और जैसे हमने लास्ट केस में जूतों की बात की थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम बिना जूते या चप्पल के कहीं जाएंगे, तो ये जो चीजें हैं जिन्हें हम बहुत ही नेसेसिटी समझते हैं वो चीजें भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनकी सिचुएशन जो है वो सोच सकते हो कितनी ज्यादा खराब होगी। सो अब हमने दोनों ही केस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, हमने रूरल केस भी डिस्कस कर लिया और अर्बन केस भी डिस्कस कर लिया, दोनों ही स्टोरी हमने पढ़ी रामसरन की और हमने लखा सिंह की स्टोरी पढ़ी। सो इन दोनों केसेस में हमें क्या देखने मिलता है, दीज टू टिपिकल केसेस इलस्ट्रेट मेनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो हमने दोनों केस पढ़े उसमें हमें पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस जो है वो नजर आते हैं, एक तरीके से आप यूं समझो पॉवर्टी बहुत ही अलग अलग रूप में या पॉवर्टी के बहुत सारे चेहरे हमें नजर आते हैं, कि पॉवर्टी मतलब सिर्फ एक लाइफ का एस्पेक्ट नहीं है बल्कि इट अफेक्ट्स आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। सबसे पहले तो क्या हमने देखा कि दोनों ही रामसरन जो हैं और लखा सिंह जो हैं उनके दोनों के ही केस में ऐसा था कि वो दोनों मुश्किल से दिन के 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे, इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, अगर थोड़ा बहुत भी खाना मिल रहा है तो वो उतना पर्याप्त नहीं होता था कि उन सबका पेट भर सके, इसका मतलब कि दे सफर फ्रॉम हंगर, भूख जो है वो गरीबी की वजह से आ रही है, मतलब वो भूखे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो गरीब हैं, तो पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया हंगर, भूखे रहेंगे वो लोग। लैक ऑफ शेल्टर, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है, वो झोपड़ियों में रहते हैं, वो कच्चे घर में रहते हैं। रामसरन जो है वो अपने परिवार के साथ एक रेंटेड रूम में रहता था, और वो भी सिर्फ एक रूम था, मतलब 6 लोग हैं वो लोग और सिर्फ एक रूम है, तो वो उन सबके लिए प्रॉपर तरीके से रहने के लिए पर्याप्त नहीं था डेफिनेटली। इसी तरीके से जो लखा सिंह है वो कच्ची झोपड़ी में रहता था, अब इसका मतलब कि मान लो कोई बारिश आ गई, कोई आंधी तूफान आ गया, तो उनके घर को बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, तो एक प्रॉपर शेल्टर नहीं है रहने के लिए। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि जो गरीब लोग हैं, हमने दोनों ही स्टोरी पढ़ी, इन दोनों केसेस में हमें क्या देखने मिला कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो लखा है भले ही उसके घर उनके स्कूल में उनके गांव में एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, बट स्टिल ही कुडंट गो टू दैट स्कूल, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि लखा के ऊपर 10 साल की उम्र से ही बोझ आ गया था कि वो घर में थोड़ा सा पैसा कमाएं। तो गरीबी का मतलब क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो एजुकेशन सही से नहीं ले पाएंगे, इसके साथ साथ जो बीमार लोग हैं उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो हमने अभी तक 4 डायमेंशन देख लिए गरीबी के, भूख, लैक ऑफ शेल्टर मतलब कि सर पे छत जो है वो सही से नहीं होगी, रहने के लिए सही से जगह नहीं होगी, तीसरा है कि जो स्कूलिंग है बच्चों की एजुकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, बच्चे इलिटरेट रहेंगे, इलिटरेट तो चलो मतलब पढ़ना लिखना तो सीख जाएंगे बट उनके पास इतनी एजुकेशन है, इतनी स्किल नहीं एक्वायर कर पाएंगे कि कहीं वो बहुत अच्छी जॉब या कोई अच्छा काम कर पाए, वो एक तरीके से जो छोटे काम है मतलब एक तरीके से ऐसे काम जिनमें इनकम ज्यादा नहीं है वैसे काम करेंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी। चौथा जो केस है वो है ट्रीटमेंट का, जो बीमार लोग हैं उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा,
तो उनकी हेल्थ बेकार होगी. पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. अब पांचवा जो पॉइंट देखें हम, पांचवी डायमेंशन अगर हम पॉवर्टी की देखें तो क्लीन वाटर नहीं मिलेगा. साफ पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलेरा, डायरिया, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि गंदे पानी की वजह से होती हैं, कि अगर आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इस तरीके की खतरनाक बीमारियां जो है वो हो सकती हैं. इसके साथ साथ सैनिटेशन फैसिलिटीज भी लोगों के पास नहीं हो पाती हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से जब गरीबी होती है तो लोग जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड इलाकों में रहते हैं. हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो कहीं बहुत अच्छे से घर वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो किसी एक जगह पे बहुत सारे लोग कंजस्टेड होके रहने लगते हैं. जैसे स्लम एरिया, स्लम एरिया हो गया, वो क्या है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग एक एक झोपड़ी पट्टी में रह रहे हैं, मतलब कि उन्होंने टीन वगैरह डाल के अपना अपना एक शेल्टर बना लिया है और बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं. इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज की दिक्कत आती है. वहां पे बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं होती, पूरी गंदगी होती है. और वो मतलब लोग रहते भी कई बार ऐसी जगहों पे हैं जहां पे जैसे मान लो कोई पीछे से सीवर वगैरह जा रहा है, वहीं पे उन्हें सही जगह मिली. ऊपर से किसी के पास इतना वो नहीं है कि सब साफ सफाई करें, सब अपने अपने काम में जाते हैं और कोई इतना ध्यान ही नहीं देता साफ सफाई को लेकर. तो सैनिटेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा कंजस्टेड वो लोग रहते हैं, मतलब घर जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, सूरज की किरण जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है, इतने ज्यादा घर एकदम कंजस्टेड है. इस तरीके की सिचुएशन जो है हमें देखने मिलती है. तो ये हो गया छठा पॉइंट सैनिटेशन फैसिलिटीज का. तो ये सिक्स्थ डायमेंशन आप देखो, इट ऑल्सो मीन्स अ लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल. अब गरीबी का मतलब ये भी है कि आपको रेगुलर जॉब नहीं मिलेगी. कुछ टाइम ऐसा होगा जब जॉब मिलेगी, दूसरा टाइम ऐसा होगा जब जॉब नहीं होगी आपके पास. और अगर रेगुलर जॉब नहीं होगी, इसका मतलब रेगुलर पैसा नहीं आएगा और इसका मतलब आप अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है उन्हें सही से नहीं फुलफिल कर पाओगे. अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. अब अगर इन सबसे ऊपर बोले या इन सबको जोड़ के बोले, समराइज करके बोले, तो ये एक ऐसी लाइफ होगी, ऐसी सिचुएशन होगी जब कोई पर्सन जो है हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में रहता है. मतलब जब वो असहाय महसूस करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो चारों तरफ से ऐसा फील करता है कि उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो खुद की मदद कर सके, हेल्प कर सके. पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस. जो गरीब लोग हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे लगभग हर जगह उनको गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है. जैसे कि फार्म जो मतलब जब खेत हैं, वहां पे अगर कोई बड़ा फार्मर किसी लेबर को लगाया हुआ है तो वो कभी उससे इज्जत से बात नहीं करता, वो उसको एकदम धुतकारता है, बहुत बुरे तरीके से उससे बात करता है. ऐसे ही फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, आप जितनी भी जगह देखोगे आपको देखने मिलेगा कि जो गरीब पर्सन है उसको कहीं पे भी सही से ट्रीट नहीं किया जाता. मान लो कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, कोई पर्सन जो थोड़ा वैसा दिख रहा है, मतलब मान लो कोई ठीक ठाक नहीं दिख रहा, उसके कपड़े फटे हुए हैं, है ना, पूरा धूल वगैरह लगी हुई है. अब मान लो उस पर्सन ने जैसे तैसे जुटा के एक अपने मतलब उसने जैसे तैसे कोई अपनी सेविंग की कि उसका सपना था कि वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाएगा. अब जो रेस्टोरेंट ओनर है या जो एंट्रेंस पे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, वो उसको घुसने नहीं दे रहे, वो कह रहे कि नहीं तुम घुसोगे नहीं, तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, जबकि उसके पास उतना पैसा है कि वो अपना खाना खा ले, उसने जोड़ के रखा हुआ है, राइट. तो हमें ये देखना मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है इनके साथ बहुत ज्यादा होता है, हर जगह पे होता है. ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन अ पॉवर्टी, और जाहिर सी बात है कि कोई भी जो पर्सन है वो गरीबी में नहीं जीना चाहेगा. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी. तो हमारे आजाद भारत के बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे देश में मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि गरीब हैं, उनको हमें गरीबी से बाहर निकालना है, इस पूरी सिचुएशन से हमें उन्हें बाहर निकालना है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग. महात्मा गांधी जी जो है वो हमेशा ये कहते थे कि इंडिया तब असली मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा, जब उसका जो गरीब से गरीब आदमी है जब वो इन सफरिंग से बाहर आ जाएगा, मतलब जब वो गरीबी से बाहर आ जाएगा, जब हर एक पर्सन
एकदम लास्ट जो पर्सन है वो भी देश का सबसे मतलब बेहतर तरीके से जिए, ऐसा ना हो कि वो गरीबी में जी रहा है या बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। तो जब सारे लोग ह्यूमन सफरिंग से बाहर आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि इंडिया हकीकत में असली मायनों में इंडिपेंडेंट हुआ है। सो इस सेक्शन में हमें क्या देखने मिला कि भले ही कोई पर्सन रूरल एरिया में अपनी लाइफ गरीबी में बिता रहा हो या फिर कोई पर्सन अर्बन एरिया में गरीबी में जी रहा हो, इन दोनों में ही कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जो कि हमें देखने मिलेंगे। और हर ऐसा गरीब तबका है जहां पे हमें ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो देखने मिलेंगे। अब जब हमने ये डिस्कस किया कि भाई गरीबी की वजह से भूख जो है वो लोगों को सताती है, गरीबी की वजह से लोग प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, प्रॉपर शेल्टर उनके पास नहीं होता है, प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती है, उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं होता है, वाटर क्लीन उन्हें नहीं मिल पाता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती हैं, उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती और वो हेल्पलेसनेस जो है वो महसूस करते हैं। ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, पॉवर्टी का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि पॉवर्टी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। एक गरीबी की वजह से देखो कितना कुछ हो रहा है, उनके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे असर पड़ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल।